गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी तक हमने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था सवैये का। सवैया जो रसखान की रचना है, सवैये में कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को दिखाया गया है। तो अब हम इनका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सेकंड सवैया इनका है, दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कमरिया पर रा दिहु पुरको दजिदारू आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई पिसारो रसखान कभो इन अखियन सौ, रसखान कभो इन अखियन सौ, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोटिल कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं अब संसार का समस्त सुख और अनमोल सिद्धियों को, रसखान कहते हैं कि मैं सारे संसार के सारे सुखों को और अनमोल सिद्धियों को उस कृष्ण प्रेम पर निछावर कर देना चाहता हूँ। तो जैसे कि वो कहते हैं या लकुटी अरु कमरिया पर, कि लकुटी लकुटी और कंबल, लकुटी उनकी छड़ी जो गाय चराने, और कंबल जब जाते थे तो अपने कंधे पर एक कंबल एक चादर डालते थे। तो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण की लकुटी और कंबल पर, उस छड़ी उस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोक का राज्य भी निछावर कर देना कर दूं। अगर मुझे मिल जाए, अगर ये मुझे मिल जाए, उसके बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य भी निछावर कर देना पड़े, तो मैं निछावर करके कृष्ण की लकुटी और कंबल ले लूं। आठों सिद्धियों अब है, तिहु कमरिया पर राज तिहु पुरको तजि डारूं, मतलब तीनों लोकों के राज को मैं त्याग दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठव सिद्धि नवो निधि कैसुक, नंद की गाय चराए बिसारू, और नंद की गायों को, यदि मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए, सुख नंद की गाय चराए बिसारू, तो अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो उसमें मैं आठों सिद्धि को और नवो निधि, मतलब धर्म के हिसाब से बताया गया है कि सिद्धियाँ आठ होती हैं, निधियाँ नौ होती हैं, तो मैं उन आठों सिद्धियों और नवो निधियों को उनकी गाय चराने में त्याग देना चाहता हूँ। अगर मुझे अवसर मिल जाए तो मैं ये उसके बदले में कृष्ण को ये दे दूँ, अगर कृष्ण मुझे अपनी गाय चराने का या नंद की गाय चराने को दे दें। रसखान कहते हैं, रसखान कबौ इन अखियन सो, रसखान कहते हैं कि यदि रसखान कबौ इन अखियन सो, कि केवल कबौ कभी भी एक बार इन आँखों से, इन अखियन सो इन आँखों से ब्रज के वन बाग तडाग निहारो, कि इन आँख से मैं ब्रज मंडल के, ब्रज ब्रज के मतलब ब्रज मंडल के वन, वन वन मतलब वन, बाग मतलब बाग या बगीचा को देख पाऊँ। तडाग तडाग मतलब तालाब, तो निहारो उसको देखना चाहता हूँ। कोटिल एक कलधौत के धाम, कोटिल एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारूं। तो कहते हैं कि मैं तो, अगर मुझे आँखों से ये देखने को मिल जाए तो उन पर करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवन को भी निछावर कर देता हूँ, कर देना। कोटिल कोटिक एकलधौत, कोटिक एकलधौत कि सोने के बने करोड़ों भवनों को निछावर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर
विशेष है कि कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है और कवि कृष्ण के प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि नवोनिधि ब्रज के वन बाग के ऊपर करील के गुंजन मतलब कोयल की आवाज़ के ऊपर मैं त्याग देना चाहता हूँ। उन्होंने नवोनिधि और ब्रज के वन बाग तथा करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। गाय चराय में स्वर मैत्री है, गाय चराय में स्वर मैत्री है मतलब कि गाय चराने के लिए तमाम ग्वाला साथ जाते हैं, तो इस प्रकार से स्वरों की मैत्री दिखाई देती है। इस तरह आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, आप इसको पढ़िएगा, अगर ना समझ में आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। धन्यवाद।